पाकिस्तान क्रिकेट टीम के लिए सेमीफाइनल के रास्ते फिर से दोबारा ओपन हो गए हैं। पाकिस्तान ने बांग्लादेश को शानदार शिकस्त देने के बाद अपने लिए सेमीफाइनल के रास्ते जो हैं वो बिल्कुल आसान बना दिए हैं। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के बाकी दो मैचेस रहते हैं, पाकिस्तान क्रिकेट टीम को वो दोनों मैचेस जीतने हैं। तो इसके साथ साथ अगर न्यूजीलैंड आज मैच हार जाती है तो फिर पाकिस्तान क्रिकेट टीम जो है वो सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर जाएगी। शायकीन क्रिकेट के लिए बहुत बड़ी खबर निकल कर सामने आ रही है कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम जो है वो सेमीफाइनल में किस तरह से जा सकती है। उसके लिए एक सिनेरियो ये बन रहा है कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम को अपने दोनों मैचेस जीतने हैं और इसके साथ साथ ये भी दुआ करनी है कि आज न्यूजीलैंड जो है वो साउथ अफ्रीका से मैच हार जाए तो पाकिस्तान क्रिकेट टीम इस तरह से सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर जाएगी। अदरवाइज पाकिस्तान क्रिकेट टीम के पास सेमीफाइनल में जाने के लिए और कोई भी रास्ता बाकी नहीं बचा, क्योंकि पाकिस्तान क्रिकेट टीम जो है अपने काफी सारे मैचेस हार चुकी है। अगर पाकिस्तान क्रिकेट टीम अफगानिस्तान से जीत जाती तो फिर अब पाकिस्तान क्रिकेट टीम के लिए सेमीफाइनल में जाने के लिए बहुत ज्यादा चांसेस होते, लेकिन अब पाकिस्तान के पास अब एक ही सिनेरियो बाकी बच गया है कि पाकिस्तान को अपने दो मैचेस जीतने हैं और इसके साथ साथ पाकिस्तान क्रिकेट टीम के फैंस को ये दुआ करनी पड़ेगी कि न्यूजीलैंड आज का मैच हार जाए तो इस तरह से पाकिस्तान क्रिकेट टीम जो है सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर जाएगी। उम्मीद ये जाहिर की जा रही है कि जिस तरह से फखर जमान ने बेहतरीन बैटिंग का मुजाहरा किया है कल के मैच के अंदर, आने वाले दो मैचेस के अंदर फखर जमान भी इसी तरह की आगे बैटिंग दिखाएंगे और पाकिस्तान क्रिकेट टीम को दोनों मैचेस जितवाएंगे। और इसके साथ साथ आप भी कमेंट्स के अंदर अपनी राय जरूर दें कि आप पाकिस्तान क्रिकेट टीम जो है सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई करने जा रही है या नहीं। अगर न्यूजीलैंड आज का मैच जीत जाती है तो फिर पाकिस्तान क्रिकेट टीम के पास सेमीफाइनल में जाने के चांसेस बिल्कुल खत्म हो जाएंगे, क्योंकि पहले इंडिया क्वालिफाई कर चुकी है, उसके साथ साथ साउथ अफ्रीका भी क्वालिफाई कर चुकी है और इसके साथ साथ एक न्यूजीलैंड बच गई है और चौथे नंबर पे ऑस्ट्रेलिया बच गई है। ऑस्ट्रेलिया के भी अभी काफी सारे मैचेस पड़े हैं, वो हल्की टीमों के साथ हैं, वो ऑस्ट्रेलिया जो है वो मैचेस जीत जाएगी, वो सेमीफाइनल में पहुंच जाएगी। अब पाकिस्तान के पास बस एक ही रास्ता बचा है कि अपने किसी न किसी तरह से ये दोनों मैचेस जीते और इसके साथ साथ ये दुआ करनी होगी कि न्यूजीलैंड आज का मैच हार जाए तो इस तरह से पाकिस्तान क्रिकेट टीम जो है सेमीफाइनल में जा सकती है। और आप भी दुआ कीजिएगा कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम अपने दोनों मैचेस जीते और आज का मैच न्यूजीलैंड हार जाए। कमेंट्स के अंदर अपनी कीमती राय जरूर दें क्या पाकिस्तान क्रिकेट टीम सेमीफाइनल खेलने जा रही है या नहीं। खुश रहें, मुस्कुराते रहें। अल्लाह हाफिज़।